मैं प्रिया आपके साथ। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किए हैं। एडिशनल सेशन जज मनीष खुराना कक्कड़ ने मंगलवार को कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला बनता है। 24 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में आफताब के खिलाफ 6629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, इसलिए आफताब पर मर्डर और सबूत मिटाने का केस बनता है। इस पर आफताब के वकील ने कहा कि वह मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। दरअसल नियम के तहत कोर्ट से आरोप तय होते ही आरोपी के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, आरोप स्वीकार करने पर कोर्ट फौरन सजा सुनाती है। दूसरा, मुकदमे का सामना करना। आफताब ने आरोपों को नकार दिया और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। आफताब पर आरोप है कि उसने 18 मई 2022 में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोटकर हत्या की, बाद में उसके शरीर के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रखे, फिर उन्हें जंगल में फेंक दिया।